तुम्हारे दादाजी ने तो आज मुझे हैरान ही कर दिया। चलो, तुमने माना तो सही कि हमारे यहाँ के बुजुर्ग इतने भी बैकवर्ड नहीं है। हेलो नानियाल, वो वालवी साहब को लाने की कोई जरूरत नहीं है। बताता हूँ। हाँ, निकाह कैंसिल। ओके ओके। तुम्हारे पुप्पा के लालच ने सुरैया को बचा लिया। बाय द वे, ये सबको क्या मिसकंसेप्शन है मेरे डैड के बारे में? कोई जरूरत नहीं अब तैयार होने की। क्यों खाला? निका नहीं हो रहा क्या? मतलब क्योंकि मुदस्सिर भाई ने कुछ शर्तें रखी हैं जो अब्बा जी को कबूल नहीं है। क्या मतलब? मैं देखती हूँ जाकर। बड़े बात कर रहे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जाने की जरूरत नहीं है? एक दफा मुझे देखने तो दे। आप सच कह रही हो, मैं चेंज कर लूँगा। सच कह रही हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे भी जबरदस्ती रिश्ते जोड़े जाते नहीं। मैंने तो आप लोगों की मदद करना चाहिए। सुरैया बेटी की जो भी बुराइयां हैं, उसके ऐब हैं, उन पर पर्दा डालना चाहा था। घर की इज्जत थी, घर ही में रहती, बाहर बात निकलती नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो मुदस्सिर? अरे तुम्हें तो पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। क्या बात फैल चुकी है खानदान में? यही बात फैली है कि सुरैया बेटी जो है वो कहीं और रिश्ता करना चाह रही थी। ये बात कहते हुए मुझे हया सी आती है। उनका करीब इश्माशकी का कोई सिलसिला था। मुदस्सिर, क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ऐसी बात है तो इतनी इमरजेंसी में आपने रिश्ते का और फिर निकाह का क्यों कहा मुझसे? इतना भोला नहीं हूं मैं, आपकी बेटी होंगी।